Hi friends, this is Chanpreet and today is a brand new day. It's February 2018 और जैसा कि हम सब जानते हैं friends कि कुछ last few days में निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा correction देखा है. So for all the investors, for all the people जो चाहते थे कि market में invest करें, I believe friends, हालांकि मैं believe करता हूँ कि every day is a perfect day for invest. But now the valuations have become more reasonable. और ये जो corrections होते हैं friends, these are healthy corrections. और ये corrections बहुत ज़रूरी है. और अगर ये corrections नहीं होते हैं तब चिंता की बात होती है. और जब ऐसे corrections होते हैं इसका मतलब everything is just perfectly fine, right? तो ये 10% correction, 15% correction market में, these are very healthy corrections जो कि होना चाहिए. और एक छोटी सी friends, मैं आपके साथ game खेलता हूँ. कई मित्र मुझे फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि सर मार्केट पीक में है, इज दिस द राइट टाइम टू एंटर. कई लोग कहते हैं सर मार्केट्स गिर रही हैं, थोड़ा और गिरने दे तब हम एंटर करेंगे. फ्रेंड्स, अगर ये दो कारण के वजह से आप मार्केट में एंटर नहीं करोगे, बिलीव मी, यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. अगर मैं आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलता हूँ फ्रेंड्स, ये देख आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, दिस इज द मंथली चार्ट. और ये हमारे पास जो डेटा है, इट गोज बैक टू से 1996 का डेटा टिल 2018. तो एक छोटी सी गेम फ्रेंड्स ये है, आप आँख बंद करके कहीं पे भी अगर आप अपनी उंगली रखते हैं, आप देखोगे उस पॉइंट से लेके अभी तक मार्केट हमेशा ऊपर ही गई है. तो अगर मैं 2008 का क्रैश यहाँ पे इसके हाइट में मैं अगर मैं उंगली रखता हूँ से लेके अभी तक मार्केट फ्रेंड्स ऊपर ही गई है. तो फ्रेंड्स ये बात तो पक्की है कि जो स्टॉक मार्केट है, जो हमारी इंडियन ग्रोथ स्टोरी है, दिस इज इंटैक्ट. आने वाले साल में हमारा देश और तरक्की करेगा, हमारी जीडीपी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, थिंग्स आर गोइंग टू बी वंडरफुली. बीच में थोड़े बहुत करेक्शंस आएंगे, बीच में ये जो कुछ कारण लाइक क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, या नॉर्थ कोरिया का के साथ जो प्रॉब्लम्स है, या यूएस में कोई प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स ये सब दीज आर अपॉर्चुनिटीज. ये कुछ ना कुछ तो कारण आएगा जिससे मार्केट गिरेगी, पर मार्केट गिरती है और बढ़ती है. पर मजे की बात ये है फ्रेंड्स, सिंस इंसेप्शन स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही गई है. द ओनली पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, एज एन इन्वेस्टर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए. आप ये मत सोचिए कि मार्केट पीक में है तो थोड़े दिन रुक के मैं इन्वेस्ट करूँगा. आप ये मत सोचिए कि मार्केट गिर रही है तो थोड़ा और गिरने दो तब मैं इन्वेस्ट करूँगा. द राइट टाइम इज फ्रेंड्स इज नाउ. आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ अच्छी अच्छी कंपनी आपने अक्यूमुलेट करनी है. जस्ट कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू अक्यूमुलेट गुड कंपनीज. तो चलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताता हूँ हमारे रिसेंट एक पिक के बारे, विच वॉज जिसमें हमने बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट बुक किया. ये कंपनी का नाम था फ्रेंड्स सोम डिस्टिलरीज. हमने ये स्टॉक रिकमेंड किया था तकरीबन 175-170 लेवल्स में अराउंड 24th November, और कुछ दिन पहले 11 January को हमने इसको बुक किया अराउंड 255 लेवल्स. तो विच इज़ एन अमेजिंग रिटर्न ऑफ एनी वे बिटवीन 40-50% विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1.5 months. दिस माई फ्रेंड्स इज स्टॉक मार्केट फॉर यू. दिस माई फ्रेंड्स इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर यू. और फ्रेंड्स इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा, ये हमने रेकमेंड क्यों किया था. और मजे की बात ये है फ्रेंड्स कि जो रिसेंट हमने देखा कि तकरीबन 50% रिटर्न हमें 1.5 महीने में आया, इसका मेन कारण ये भी था कि अगर आपने इनका नाम सुना होगा, मिस्टर पोरेजिनो वेलात, ये ही इज़ वन ऑफ द एस इन्वेस्टर्स इन आर कंट्री. मैं भी इनको काफ़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ. तो फ्रेंड्स, हमारे रिकमेंडेशंस के कुछ दिनों बाद मिस्टर पोरेजिनो ने ही हैड बॉट अराउंड 6,50,000 शेयर्स फॉर हिमसेल्फ प्लस फॉर हिज PMS क्लाइंट्स, राइट? तो आप सोचिए फ्रेंड्स, दिस अगर कुछ ऐसा होता है कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है. दिस इज़ लाइक थम्स अप फॉर आर रिसर्च टीम विच वर्क्स वेरी हार्ड राउंड द क्लॉक कि हम ऐसी ऐसी कंपनियाज आपके सामने लेके आए जिसमें आपका वेल्थ क्रिएशन हो. तो फ्रेंड्स, सोम डिस्टिलरीज हमने रिकमेंड क्यों किया था, दो रीज़न ये था कि सोम डिस्टिलरीज इज अ मैन्युफैक्चर एंड ब्रांड ओनर ऑफ हंटर बियर जो कि काफ़ी मशहूर ब्रांड है. रिसेंटली द प्रमोटर हैज़ एक्सपेंडेड एंड कैपेसिटी एंड हैज़ एंटर्ड कर्नाटका विच इज एन अमेजिंग मार्केट. Promoter has also been buying his own shares from the open market. This is like an amazing thing, friends. जब भी आप देखते हो कि कोई promoter अपनी company के shares खुद buy कर रहा है, it means he is very bullish on his own company. And हम देखते हैं कि जब भी कुछ ऐसा होता है उसके कुछ
वीक बाद या कुछ महीने बाद स्टॉक मार्केट उसके उसके शेयर्स के दाम में काफ़ी तेजी आती है। एज पर द मैनेजमेंट गाइडेंस द रेवेन्यू इन FY 19 शुड राइज बाई 25-30% विद एन इंक्रीज एंड मार्जिन ड्यू टू द फोरे इन टू कर्नाटका। तो ये भी एक कारण था कि हमने ये स्टॉक क्यों रेकमेंड किया था। आने वाले समय रिजल्ट जो कंपनी के आने वाले थे, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी, वेरी प्रॉमिसिंग द कंपनी। और अभी एज ऑफ नाउ द हैज अ हाई ROCE एंड लो डेट विच बोथ्स वेल फॉर दिस फ्यूचर। ROCE का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी तक का जितना रिटर्न कंपनी ने दिया है, इट्स वेरी इंकरेजिंग। कंपनी का जो डेप्ट है दैट इज बिलो सेफ्टी लेवल। थोड़ा बहुत डेप्ट होना फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि द पीपल द प्रमोटर दे एम्बिशियस, वो मार्केट में और एक्सपैंड करना चाहते हैं। द कंपनी इज ऑल्सो पोटेंशली एन एक्विजिशन टारगेट। वी एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 250-260 सून। तो फ्रेंड्स हमारी रिसर्च टीम ने जब ये रिसर्च किया था, जब हमने व्हेन वी कॉर्नर्ड सोम डिस्टिलरीज एज अ हिडन जेम, हमारा होराइजन था तकरीबन 6 महीने का, 1 साल का, टू होल्ड द स्टॉक पेशेंटली, जो कि हमेशा रहता है फ्रेंड्स। कीप इन योर माइंड कि हमें तकरीबन 50% रिटर्न मिला 1.5 महीने में, पर ये फ्रेंड्स हमेशा नहीं होता। ये हमें इसलिए मिला बिकॉज वी वर पेशेंट। हमें इसलिए मिला क्योंकि हमारी अप्रोच सही थी। इफ़ यू आर कमिंग इन टू स्टॉक मार्केट्स और अगर आप चाहते हैं कि आप रातों रात अमीर हो जाए, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। आप सोचिए, कंपनीज आर रन बाय पीपल लाइक यू एंड मी, आपके जैसे लोग और मेरे जैसे लोग कंपनी चलाते हैं। इसमें कोई जादूगरी नहीं होती फ्रेंड्स। अगर मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप मुझे 1,50,000 रुपया 1 महीने बाद दें। ये पॉसिबल नहीं है। सो एट एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी वेरी रैशनल, यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल। तो जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, आप कम से कम कंपनी को 4 क्वार्टर का समय दीजिए। 4 क्वार्टर में कंपनी अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करती है, हमें पता लगता है कि कंपनी का EPS किस तरह से बढ़ रहा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, मैनेजमेंट के साथ हम बात करते हैं। सो जो चीज़ें हमारी हाथ में है फ्रेंड्स, हम इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कितना रिटर्न कब आएगा, आप प्लीज़ मार्केट के हाथ में छोड़ दीजिए। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड टू सिट डाउन पेशेंटली फॉर 4 क्वार्टर्स। एंड पेशेंस माई फ्रेंड्स इज अ वर्च्यू, इट वर्क्स लाइक वंडर्स। जितना धीरज रखोगे मार्केट में, उतना पैसा कमाओगे। इन्वेस्टिंग इज वेरी पावरफुल, क्योंकि इन्वेस्टिंग क्या होता है कि इवन वाइल यू स्लीप आपका पैसा फ्रेंड्स आपके लिए काम करता रहता है। सो दिस वॉज द रीजन हमने सोम डिस्टिलरीज रिकमेंड क्यों किया फ्रेंड्स। मैं आपके सामने फ्रेंड्स कुछ ईमेल पढ़ूंगा। तकरीबन वी हैव क्लोज टू 1,000 इन्वेस्टर्स जो हमारी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है, जब हम व्हेन वी आस्क देम टू बुक प्रॉफिट्स, वी गेट ह्यूज ईमेल्स फ्रॉम ऑल आवर क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। वो शेयर करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सेम मैं आपके साथ फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा इनबॉक्स है कूल ब्रेन्स का, और यहाँ पे मैंने एक लेबल बनाया हुआ है सोम डिस्टिलरीज का। तो फ्रेंड्स ये मेरा इनबॉक्स है जिसमें आप देखेंगे इट इज़ फिल्ड विद अप्रिसिएशन ईमेल्स जो कि हमारे क्लाइंट्स ने हमें भेजे हैं, हमारे कूल ब्रेन्स फैमिली मेम्बर्स ने हमें भेजे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, व्हाट आई विल डू कि चलिए कुछ ईमेल्स हम पढ़ते हैं और आप देखिए किस हिसाब से पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड ने कम पैसा लगाया है, जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया है। एवरीबडी हैज़ मेड मनी एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, एनीबडी कैन डू। मैं कहता हूँ कि एक चौकीदार भी इन्वेस्टिंग कर सकता है और एक CEO कंपनी का जो मालिक है वो भी इन्वेस्टिंग कर सकता है। सो एट एनी फेज ऑफ लाइफ इन विच यू आर राइट नाउ, इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स आप कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लेवरेज नहीं होता, कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होता। आप एक कंपनी में 1,000 रुपया भी डाल सकते हो, आप एक कंपनी में 10,000 रुपया भी डाल सकते हो, 1,00,000 भी डाल सकते हो, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल द हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग। आपने ये आदत, ये जर्नी स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है, इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी होता है, इसको ग्रो करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप ये कर पाएंगे फ्रेंड्स, आपको मार्केट में रिटर्न जरूर मिलेगा बिकॉज दिस इज द राइट अप्रोच। तो आइए कुछ ईमेल हम पढ़ते हैं। दिस इज ईमेल फ्रॉम मिस्टर प्रशांत सूर्यवंशी। हेलो सर, आई जॉइंड योर टीम इन नवंबर। आई बॉट SDPL 175 सेकंड जैन, सोल्ड 250। आई एम न्यू टू इन्वेस्टिंग फील्ड, सो जस्ट बॉट 25 शेयर्स रुपीज 4,381, बुक्ड अमेजिंग 43% रिटर्न्स इन जस्ट 12 डेज। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कितना कम पैसा इन्वेस्ट किया, बट स्टिल ही हैज मेड मनी, राइट। दिस इज ईमेल फ्रॉम मिस्टर खुर्शीद खान। डियर सर, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बल्ले बल्ले इन सोम डिस्टिलरीज मेड ऑसम 41,000, बॉट 167, सोल्ड 250, विच इज बंपर। थैंक्स टू यू एंड योर एंटायर टीम फॉर दिस वेल्थ, विश यू ऑल द बेस्ट।
God bless to all Cool Brains family member waiting for January Hidden Gems, जो कि हमने रिलीज कर दिया है खुर्शीद जी. सुनील सोनिल भाई का ईमेल है, डियर कूल ब्रेन्स टीम, आई हैव सब्सक्राइब्ड टू इन्वेस्टर पैक इन सितंबर 2017, आफ्टर विच आई ट्रेडेड सेवरल शेयर्स गिवन बाय यू अमेजिंग रिटर्न्स सच एज लील साउथ इंडियन बैंक पेटी लैमिनेशन एंड टुडेस होम डिलीवरीज. तो उन्होंने जितना पैसा कमाया उन्होंने काफ़ी शेयर्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं. मैं इसको मास्क कर दूंगा क्योंकि इसमें से कई शेयर्स में स्टिल वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट. लास्ट में देखिए उन्होंने क्या लिखा है. होपिंग ब्लास्टेड रिकमेंडेशंस फ्रॉम सोखी ब्रदर्स एज ऑलवेज, ओवरऑल पोर्टफोलियो इज अप बाय 33%. तो फ्रेंड देखिए इन्होंने ज्वाइन किया था सेप्टेम्बर में, सेप्टेम्बर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 months his portfolio is up by 33%. आप सोचिए फ्रेंड दिस इज हाउ पावरफुल दिस इज. तो अगर इसमें टैक्स भी लग जाता ना फ्रेंड इट्स वर्थ इट. अभी रिसेंटली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आया फ्रेंड्स, डोंट लेट दिस बी एन एक्सक्यूज कि आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. फ्रेंड इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना रिटर्न इन्वेस्टर्स कमाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10% इज हार्डली एनीथिंग फ्रेंड्स. सो दिस इज फ्रॉम ईमेल फ्रॉम सुनील, दिस इज ईमेल फ्रॉम मिस्टर मनोज कुमार का ईमेल पढ़ते हैं. डियर सोखी सर एंड टीम, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू एंड योर टीम एज यू हैव गाइडेड मी टू बुक अमेजिंग प्रॉफिट 45% इन होम डिलीवरी विद इन ए पीरियड ऑफ 1.5 months. और ईमेल कुछ और ईमेल पढ़ते हैं. ईमेल फ्रॉम मिस्टर राजकुमार, हाई आई बॉट 30 shares विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5500 मेड 2060 in less than 50 days leading to a growth of 40% without losing sleep and tension. Very important point which he has mentioned. Thanks to CoolBrains team for their hard work for making our work easier in share market, growing our investment in multiples. I have invested 1.70 lakhs in last April 2017. It's now Jan 2018 to 2.5 lakhs. So inhone, he joined a family in April 2017 aur abhi January 2018 mein उनका उस टाइम उनका इन्वेस्टमेंट कैपिटल था तकरीबन 1,70,000, एज ऑफ नाउ इज 2,50,000 विच इज अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 40-50% विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स विच इज अमेजिंग. मे गॉड ब्लेस यू योर कूल ब्रेन्स टीम जनप्रीत सर फॉर द कंटिन्यूड वर्क फॉर दे हैव बीन डूइंग ऑल दिस डेज एंड फॉर डेज टू कम. थैंक्स अ लॉट राजकुमार जी फॉर दिस अमेजिंग ईमेल. ईमेल कुछ और ईमेल फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं. मिस्टर नरसिंह राव, बॉट 178 सोल्ड 273 ऑसम 42% इन जस्ट 40 days. थैंक यू. ईमेल फ्रॉम मिस्टर संतोष महेंद्रकर, हेलो कूल ब्रेन्स टीम, आई कन्फर्म दैट आई हैव बुक प्रॉफिट इन SDBL, बॉट 297 shares एट 168, बुक एट 255. दिस इज फर्स्ट स्टॉक आई हैव बुक प्रॉफिट आफ्टर जॉइनिंग सोखी फैमिली. रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट हैज बीन अमेजिंग 50% इन लेस देन 2 months. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक मनी इन कैपिटल मार्केट्स, बट द स्मार्ट वर्क ऑफ योर टीम इन पिकिंग द राइट स्टॉक एट द राइट टाइम इज रियली आउटस्टैंडिंग. आई रियली अप्रिशिएट द स्मार्ट वर्क ऑफ सोखी टीम इन डेप्थ ऑफ माई हार्ट. थैंक्स अ लॉट संतोष जी. बिलीव मी, इमेज मेरी है, फोटो मेरी है, बोल मैं रहा हूँ, बट इट्स नॉट मी. बिहाइंड मी इज़ अ वंडरफुल हार्ड वर्किंग टीम विच वी हैव, जो ये सब बढ़िया कंपनी आपके सामने लेके आते हैं. मैं फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नो वन. दिस इज ईमेल फ्रॉम मिस्टर अबीद अंसारी. सोम ने बजा दिया गोंग. द वे यू रिकमेंड स्टॉक्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड इज गुड पीपल एग्जिस्ट एंड दे वर्क फॉर यू इवन वेन यू स्लीप. Just join hands with them and they will love to work for you night and day. Thanks a lot, Abhiji. This means a lot to me. Email from Mr. Kiruba Umapati. Dear sir, I am really amazing about this share and touch 255 within short period. Thanking God in showing right and genuine, trustworthy people like you. This is first time I am seeing in my life such a miracle in share market. I like your good heart in sharing your wishes to cool team members. God bless you and your family. Cool team tech for long life, happy journey. Thanks a lot, Mr. Kribaji. और कुछ ईमेल फ्रेंड्स भरती है. अगर आप देखेंगे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इस वीडियो के नीचे में मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करता हूँ इन वेयर यू कैन गो एंड रीड दिस ईमेल्स.
राइट। तो इट वुड बी, आप देखिए किस हिसाब से लोगों ने पैसा इसमें कमाया है, एंड लेट दिस बी एन इंस्पिरेशन फॉर यू फ्रेंड कि मार्केट में पैसा बनता है, प्रोवाइडेड आपकी अप्रोच सही है, प्रोवाइडेड आप गैम्बलिंग ना करें, प्रोवाइडेड आप सट्टेबाजी ना करें, प्रोवाइडेड आप मार्केट में आते हो रातों रात अमीर होने के लिए ना है। ये सब चीज़ अगर आप पीछे छोड़ के फ्रेंड मार्केट में आते हैं, मार्केट में पैसा जरूर बनता है। ये ईमेल देखिए मिस्टर अंकित मनचंदा का, सर दो आई हैव टेकन योर सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ फॉर इन्वेस्टिंग बट आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज डिलीवरीज बट नाउ आई हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन यू गाइज फूड ब्रेन्स टीम, कैन यू प्लीज सेंड मी द मेल्स अगेन दो आई कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, थैंक यू फूड ब्रेन्स टीम फॉर मेकिंग सो मच गुड एफर्ट्स, मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस एंड कंटिन्यू एफर्ट्स इन फ्यूचर ऑल्सो। तो ये मिस्टर अंकित का ईमेल देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने हमारी फैमिली ज्वाइन की बट क्योंकि उनका भरोसा मार्केट में कम था, बट क्योंकि उनका पास एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, उन्होंने हमारे बोले हुए शेयर्स में उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, सिर्फ पेपर ट्रेड किया, उन्होंने इन्वेस्ट एक्चुअली में नहीं किया। करने के बाद, परखने के बाद ही इज़ कम टू दिस कंक्लूजन, जो यहाँ पे वो कहते हैं कि नाउ राइट नाउ आई हैव ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन यू गाइज। थैंक यू अंकित जी, आई विश कि आपने पहले भरोसा कर लिया होता, आई विश कि ये जो स्टॉक्स हमने दिया था आपने एंट्री कर दी होती, क्योंकि अभी काफ़ी स्टॉक्स हमारे हिडन जेम्स दे आर गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स विद इन फ्यू मंथ्स। सो दिस इज फ्रॉम अंकित मनचंदा, ईमेल फ्रॉम मिस्टर तरनजीत जी, hi again team, SDB I booked at 258, got at 182, made 40% return, thank you so much, 2018 is going to be rocking, thanks a lot, Taranjit ji, email from Mr. VK Rao Dicharpit, dear Charpit, thanks a lot for your guidance, I made 38,000 a clean profit with 500 shares, thank you once again, wonderful VK Rao ji, email from Mr. Sudhir Nair, dear sir, I had bought home distilleries at 187 and I have sold it today at 255, 34% return. I have joined Sophie team in January. I am pleasantly surprised at such returns, that also in just 10 days I have totally become your fan. I am going to realign my portfolio following your advice to the fullest now. Thank you once again. Wonderful Sudhir ji, it's amazing ki you have got this amazing return. Email from Mr. Priyankya Karvatar. Booked a profit of 8,292 in Sobe Distilleries, bought itne shares, 178, 173. I took credit subscription. I'm so happy and satisfied with this. Sir, you and your whole research team are great. God bless you and your team. So friends, मैं continue करता रहूँगा friends. और ये journey friends हमारी चलती रहेगी. और आप देखिएगा कि हम stock market में पैसा बनाते ही जाएंगे, क्योंकि friends हमारा approach सही है. यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि रिसेंटली हमने एक हिडन जेम रेकमेंड किया है, दिस इज़ द हिडन जेम विच वी आर रेकमेंडेड अराउंड 195 लेवल्स, और अभी जबकि मार्केट गिरी भी थी कुछ दिनों पहले फ्रेंड्स, इट डिड नॉट हैड एनी इम्पैक्ट ऑन आ हिडन जेम, इट रीच्ड अ न्यू 52 वीक हाई अराउंड 223-225 लेवल्स, अमेजिंग रिटर्न विद इन फ्यू डेज, लेकिन फ्रेंड्स अभी पिक्चर बाकी है। अगर आप देखेंगे ये दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ अ हिडन जेम, इसने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, अगर मैं इसे हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट कह सकता हूँ, मैं इसे कप एंड हैंडल ब्रेकआउट कह सकता हूँ ऑन वीकली चार्ट। तो देखिए इस लेवल में हमने जब ये लेवल इसने पार किया, इसके फंडामेंटल्स हमने देखे, मैं फंडामेंटल्स आपके साथ अभी शेयर करूँगा, आप जस्ट इसके चार्ट को देखिए, ये चार्ट को देख के इवन अ लेमैन कैन से कि दिस स्टॉक इज सेट टू मूव फर्दर फ्रॉम दिस लेवल्स। और इसका कारण फ्रेंड्स ये है कि हमने रेकमेंड क्यों किया, इट इज़ अ वेरी सेफ डीमर्जर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कूल ब्रेन्स फैमिली मेंबर्स, वन डीमर्ज एंटिटी इज ग्रोइंग एट 10% पर ईयर, द अदर एंटिटी जो डीमर्जर से मिलेगी विल ग्रो अराउंड 20% पर ईयर, the best part is the company is a dominant player in the industry, the combined value of both the entities will easily come around 350 to 400. So this is a situation friends for us which is like heads I win and tails I don't lose much. Ye jo funda hai friends is followed by Warren Buffett, Charlie Munger, wo is level mein kaam karte hain, jis hum agar kis company mein apna paisa invest karte hain, agar mere hisab se chala I make a loss of money, अगर मेरे हिसाब से नहीं चला then even I don't lose much money.
एक किताब फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, किताब का जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आप डाउनलोड कर सको। ये किताब फ्रेंड्स है, इसका नाम है द धांधो इन्वेस्टर। द राइटर इज मिस्टर मोनीश पबराय, ही इज़ वन ऑफ दी बेस्ट इन्वेस्टर्स वी हैव इन टूडेज टाइम। इनको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। ये जो स्टॉक हमने रिकमेंड किया है, दिस इज इन लाइन विद द सेम थिंग विच इज मैंशनड इन दिस बुक। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स। जाने से पहले एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। दिस इज पीटर लिंच एंड ये कोट जो उनका है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िए। ये कहते हैं कि मोर मनी हैज बीन लॉस्ट ट्राइंग टू एंटिसिपेट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम करेक्शंस देन इन एक्चुअली इन देम। तो मिस्टर पीटर जी क्या आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ये कहना चाहते हैं कि क्रैश का और बेयर मार्केट का फ्रेंड्स आप एंटिसिपेट, इससे डरिए मत, क्योंकि इसके डर के कारण आप मार्केट में ज़्यादा लूज करोगे रैदर देन एक्चुअली क्रैश। एक्चुअली क्रैश व्हाट इट डज, इट मेक्स द स्टॉक मोर रीजनेबल, द वैल्यूएशंस बिकम मोर अट्रैक्टिव और इससे मोर इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मोर। सो इन्वेस्टर्स लाइक मी आर मोर हैप्पी जब ये हेल्दी करेक्शन मार्केट में होते हैं। और अगर आप देखिएगा फ्रेंड्स कि कई लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं, दे टॉक अबाउट द क्रैश ड्यूरिंग हर्षद मेहता टाइम, दे टॉक अबाउट क्रैश इन 2008। तो फ्रेंड्स एक चीज़ रियलिटी में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बात ये है कि 1982 में जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उस स्कैम से पहले जो हमारी मार्केट्स है वो तकरीबन 10 गुना 11 गुना बढ़ गई थी और उसके बाद तकरीबन 60% का क्रैश हुआ था। और 2008 में जो हमारे यूएस क्राइसिस के वजह से जो क्रैश हमारे मार्केट में हुआ था, उससे पहले फ्रेंड्स हमारी स्टॉक मार्केट तकरीबन 7.5 गुना बढ़ गई थी और उसके बाद फिर तकरीबन 60-65% करेक्शन हुआ था। तो हर्षद मेहता स्कैम से पहले मार्केट तकरीबन 10-11 गुना बढ़ गई थी, 2008 क्रैश से पहले फ्रेंड्स हमारी मार्केट तकरीबन 7 गुना बढ़ गई थी। और अभी कि अगर हम मार्केट देखते हैं, अगर हम मैं कहता हूं कि तकरीबन सोचिए 2012 या 2013 से जो हमारे मार्केट जिस बुल रन में है, अगर मैं अगर इफ़ आई लुक एट द फिगर्स फ्रेंड्स, तकरीबन 1 गुना या 1.5 गुना भी नहीं बढ़ी है। तो द जर्नी फ्रेंड्स अभी बहुत मार्केट को ऊपर जाना है, द जर्नी इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, ऐसे करेक्शन आते जाएंगे, डोंट लेट दिस करेक्शन बी एन एक्सक्यूज, look these corrections as an opportunity. And before I end this video friends, I really want to thank you for the amazing response jo aapne hame diya hai. Takriban abhi 16700 subscribers hamare channel mein hain. Agar friends aapko lagta hai ki hamari video sahi hai, agar aapko lagta hai ki hamari videos main aapko sahi baat bolta hu, agar aapko lagta hai ki main aapko lalach nahi deta hu, agar aapko lagta hai ki main aapke samne the real picture lekar aata hu, aap please hamari video friends share kijiye अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप ये शेयर कीजिए। और तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय। पीछे रह के जिरे टॉक कर दे, मेरे अगे पीछे वॉक कर दे, चक्के आस टेप सदा ठूस यार ने, थॉमस दे वांगू दुनिया है मन, चाचा ते रहना गल हम बल्लीए, जद दी क्लिप भी नहीं उस बन दी।